सलमान खान के बंगले गैलेक्सी के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया। दोनों ही कुछ समय में यहां लैंड होने वाले हैं। हम लोग T2 ये टर्मिनल 2 पर खड़े हैं। ये इस एयरपोर्ट का ये जो VIP गेट है जहां से VIP लोगों को बाहर लाया जाता है, इसी गेट से भारी सुरक्षा में दोनों आरोपियों को बाहर लाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी, साथ ही CISF के अधिकारी यहां मौजूद हैं। साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो निजी गार्ड हैं वो भी यहां मौजूद हैं। तो आरोपी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसी चैनल के थ्रू बाहर लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पुलिस की गाड़ी में गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और फिर यहां से किला कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर आरोपी की 10 दिनों की कस्टडी की मांग की जाएगी। पुलिस जानना यह चाहती है कि आखिर ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई के कहे पर काम कर रहे थे, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे जेल के अंदर बैठ के इन्हें मैसेज पहुंचाया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मुंबई पुलिस भी लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी जल्द ही इस मामले की जांच के लिए मांगने वाली है। कैमरा मैन योगेंद्र गुप्ता के साथ सूरज ओझा, ABP News, मुंबई।